हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदानुलेखा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप आलू गोभी मटर की वही सब्जी खा के सेम रेसिपी से बोर हो गए हैं तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज ढाबे में, शादियों में और रेस्टोरेंट में बनने वाली आलू गोभी मटर की सब्जी, जिसके सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, लगभग 2 बड़े टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 1/2 टीस्पून जीरा, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड किए हुए, और कद्दूकस केयर करके भी आप 2 प्याज ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, इसे बारीक काट लीजिएगा और इसके बीज चाहे तो निकाल लीजिएगा, तीखी होगी तो। और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट। ये दोनों अदरक लहसुन है इसलिए 2 बड़े चम्मच लेंगे आप, और इसे भी हम अच्छे से भूज लेंगे। तो इसको मैंने जब तक भूजना है जब तक इसकी स्मेल जो प्याज की है वो ख़त्म ना हो जाए। अब ये देखिए लगभग भूज चुका है। इसमें अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। बीच बीच में आप सब्जियों में हरा धनिया ऐड करते जाइएगा जिससे कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी आएगी। और अब मैं इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनाता है, टेस्टी बनाता है सब्जी को। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं रेडी किया हुआ टमेटो पेस्ट, जो मेरी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, और मेरे चैनल में जाके इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो तीन से चार बड़े चम्मच से आप इसे टमेटो पेस्ट को आप डालिएगा, और इसे हम अभी अच्छे से भूज लेंगे, मिक्स कर लेंगे। वैसे ये ऑलरेडी बना है तो आप इसे भी जल्दी पक जाता है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। अब मैं इसमें कच्चे 2 बड़े टमाटर के जो पेस्ट है कच्चे टमाटर के वो भी ऐड करूँगी। ये देखिए अब ये सब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, पका लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे हींग, जो मैंने हींग ली है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है जैसा कि आपको पता है। अब हींग ऐड करने के बाद मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर लगभग 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच लगभग कोरिएंडर मींस धनिया पाउडर लिया है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और आप चाहे तो मिर्ची का स्वाद आपके अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। लाल मिर्ची मैंने डाली है लगभग 2 चम्मच। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए क्या सुंदर कलर आ गया है। अब मैं इसमें हल्का सा मैं पानी मिलाते जाऊंगी, पकाते जाना है हमें। पानी का इस्तेमाल आप गर्म पानी का ही करिएगा। पहले मैं इसमें मिला देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, लगभग मैंने 1.5 चम्मच लिया है। अब आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और अच्छे से हम इसे चला लेंगे। कितना फाइन कलर आ गया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है वाइट बटर। वाइट बटर ये है दोस्तों जो हम मक्खन घर पे निकालते हैं ना, उसे मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख लिया था। ये ताज़ा वाइट बटर है। ये वाइट बटर मैंने मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब मैं इसके अच्छे से हम इसे पका लेंगे। ये देखिए तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिल्क पाउडर पूरे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा पानी, गर्म पानी हम यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। वैसे ये देखिए गर्म पानी ऐड करते ही इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये मैंने 2 काजू के पाउडर लिए हैं 2 बड़े चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसे पका लेंगे। ये लगभग मेरा मसाला रेडी हो चुका है। थोड़ा पानी डाल के आप इसे पका सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी मेरे फ्रेश चॉप्ड किए हुए सब्जियां। सब्जियों में मैंने लिया है मटर, कॉलीफ्लावर और पटेटो, मींस का गोभी और आलू मटर लिया है, जिसकी मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। हल्का सा धनिया ऐड करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी भी मिक्स करते रहिएगा अगर आपको ज़रूरत लगे तो। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं लगभग 1/2 कटोरी फ्रेश मिल्क मलाई,
जो मैंने ताजे दूध से निकाली है, आप चाहे तो अमूल वाली भी ले सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर फाइन कलर आ गया है। ये थोड़ा सा वाइटनिश दिख रहा है क्योंकि लाइट की वजह से दोस्तों, तो लाइट के बिना ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया है। और गरम मसाला ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने किचन किंग गरम मसाला लिया है, आप चाहे होममेड गरम मसाला भी ले सकते हैं। और अच्छे से हम इसे मिक्स करके चला लेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के आप इसे चला लीजिएगा। और अब इसे हम पानी डाल के चला लेंगे। ये देखिए अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक आपको लास्ट में ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जब भी दूध वाली चीज़ें यूज़ करें नमक सबसे लास्ट में ऐड करें। तो ये हो गया नमक ऐड। अब मैं इसमें अच्छे से इसे मिक्स करके, और गर्म पानी ही आपको यूज़ करना है। गर्म पानी यूज़ करके इसमें जितने पानी आपको चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी करके मैं इसे ढाक दूँगी। हल्का सा ऊपर से धनिया डाल दीजिएगा। और अब मैं इसे पका लूँगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद मेरी सब्ज़ी यहाँ पर कितना सुंदर से पक चुकी है। बहुत सुंदर कलर आ गया है, फाइन तरीके से ये पक चुकी है। अब मैं इसमें ये आलू को थोड़ा सा हम काट के देख लेंगे दबाकर। ये देखिए लगभग आलू सब पक चुके हैं, मीन्स सब्ज़ी रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे जो मैंने लंबी लंबी हरी मिर्च काट के रखी है और उसके बीज निकाल दिए हैं। धनिए को ऐड करने के बाद उसमें आप हरी मिर्च जो लंबी लंबी ऐड करके रखी, काट के रखी है, उसे ऐड कर देंगे। आप चाहे तो उसे बिना काटे भी डाल सकते हैं। और 2 बड़े टमाटर मैंने आधे काट के रखे हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये गई मिर्ची, ये डाला मैंने टमाटर। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा सा हल्का हल्का चला लेंगे। और ये देखिए अब मेरी रेडी है सब्जी। कितना फाइन कलर आ गया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये रेडी है। अब इस सब्जी को आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, आप जिससे खाना चाहे आप खाइए। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।